नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तक हमने जो समझा वह था साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको जो समझना है वह समझना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वह हर साल वही मिलता रहता है। ठीक है, यानी अगर हमको 100 रुपये मिल रहा है तो यही 100-100 रुपये हर साल मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तो इसमें ऐसा नहीं होता है। पहले साल तो जो है वही रहेगा, यानी कि पहले साल का अगर हम देखें तो एक साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज मिलता है वह दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जब बात दूसरे और तीसरे साल की होती है तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है। पहले साल जैसे कोई 10,000 रुपये हैं उस पर 100 रुपये ब्याज मिला, अगले साल क्या होगा कि 100 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं कि जो मूलधन है उस पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन हर साल जो ब्याज है वह भी जुड़ के मूलधन बनता जाता है और अगले साल उस पर भी हमको ब्याज मिलने लगता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हम मिश्र धन का फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, पी यानी कि मूलधन वन प्लस आर यानी कि दर भागे 100 और यहाँ पावर होती है टाइम की। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम अपना क्या निकालेंगे, पहले मिश्र धन निकालेंगे। जब हमारा मिश्र धन निकल आएगा तो उसमें क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमें निकालना पड़ेगा तो हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था, पी वन प्लस आर बटे 100 भागे टाइम और इसमें से पी को करना है माइनस। अब पी यहां पर कॉमन है तो यहां क्या बचेगा, वन प्लस आर भागे 100 पावर टाइम माइनस 1। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का यह फॉर्मूला है और अमाउंट का यह फॉर्मूला है। ठीक है, तो यह दोनों फॉर्मूले आपको याद करना है, यही दोनों फॉर्मूले से हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि जब रेट आर दिया है, आर ना देकर आर वन आर टू और आर थ्री दिया हो, यानी पहले साल कोई ब्याज दर हो, दूसरे साल और दूसरी ब्याज दर हो और तीसरे साल कोई और रेट दिया हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी वन प्लस आर वन बटे 100, दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस आर टू बटे 100 और तीसरे ब्रैकेट में वन प्लस आर थ्री बटे 100। ठीक है, तो जब दर अलग अलग हो तो हमारा अलग अलग फॉर्मूला हमारा लगा दिया जाएगा। अगर इसमें ब्याज की गणना 6 माही की गई हो, उसने कहा कि अगर इसकी कैलकुलेशन 6 माही करना हो तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी दर होती है उसका कर देते हैं आधा और जो भी समय होता है उसका कर देते हैं 2 गुना। ठीक है, तो 6 माही गणना में हमें कैलकुलेशन ऐसा करना है। अगर 3 माही गणना हो तो इसमें क्या करेंगे, दर में 4 का भाग लगाएंगे और समय में 4 का गुणा करेंगे, तो यह 3 माही गणना के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर हम एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और एक साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकाल के माइनस करें तो वह कितना आएगा, 0 आएगा, यानी एक साल का जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा
और जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वह दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर दूसरे साल की बात की जाए और तीसरे साल की बात की जाए, ठीक है, यानी समय हम बढ़ा दें तो यहाँ पर कंडीशन बदल जाएगी। जैसे कि हमें दो साल का अंतर निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो निकालेंगे हम पी आर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको तीन साल का निकालना हो अंतर, तो क्या होगा, पी आर बटे 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस आर बटे 100, ये तीन साल का अंतर निकल आएगा। तो हमें इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से अपने सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम एक प्रश्न को देख लेते हैं इसी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। तो प्रश्न हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेट क्या दिया है, रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000, और हमसे पूछा है ए पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी सीआई पूछा है और मिश्रधन पूछा है। तो पहले तो हम मिश्रधन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए पी 1+रेट/100 और पावर किसकी लगाएंगे, टाइम की। तो कैसे निकलेगा, मूलधन है 10,000, रेट है 5, भागे है टाइम, टाइम कितना है 2 वर्ष, 5 से काट देंगे 20 25 100, तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, यहाँ 21 × 21 / 20 × 20, क्योंकि यहाँ काटेंगे तो 20 आया, 20 हुए 21/20 हो जाएगा, 2 की पावर लगी है तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब इसको कट कर देंगे 0 से 0 0 से 0, अगर 2 से काटते हैं तो 50 आएगा और फिर 2 से काटते हैं तो 25 आएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 21 × 21 कितना होता है 441, अब 25 × 25 = 5, 25 × 100 और 2 = 102, 25 × 100 + 10 = 110, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया है मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन भी हमसे पूछा था तो मिश्रधन निकाला। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या होता है a - p, ए निकल के आया 11/0/25 और पी है हमारा 10,000, तो माइनस कर देंगे 1,025 हमारा निकल आया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लगाना है इन प्रश्नों को, यही फॉर्मूले हमारे काम करेंगे, यही मेथड काम करेगी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर टफ हो जाएगी, क्योंकि आपको इसके लिए वर्ग और क्यूब सीखना पड़ेंगे। जितने आपको वर्ग जितने जल्दी बन जाएंगे उतने ही जल्दी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।